हमीरपुर मेरे लिए नवा नहीं, हमीरपुर मेरे लिए नया नहीं, क्योंकि हमीरपुर में मैं कम से कम 3-4 बार मिंजर फेस्टिवल में एज एन आर्टिस्ट परफॉर्म करता रहा हूं। वो होता ना ग्राउंड में मिंजर फेस्टिवल, कुल्लू का दशहरा, रिकोंग पियो और शिवरात्रि, जो शिवजी का बहुत बड़ा 7 दिन का मेला चलता है शिवजी महाराज का, मंडी में कोई भी ऐसा प्रदेश, हिमाचल का ऐसा प्रदेश नहीं है जहां पे मैंने आके परफॉर्म नहीं किया। दिल्ली ने एक चम्मच जाग दिया, पंजाब में ईमानदारी का दही जमा लिया, अब दिल्ली और पंजाब 2 चम्मच आपको देंगे, हिमाचल में भी ईमानदारी का दही जमाओ, ईमानदारी का। आप हर रोज अखबार में पढ़ते होंगे, अब तो लोग पंजाब के लोग जो हैं वो मतलब सुबह दोपहर शाम वेट करते रहते हैं कि अब सरकार का कौन सा फैसला आएगा जो हमारे पक्ष में होगा। 75 साल लेट हो चुके हैं, जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष जी बोल रहे थे, 5 साल। अंग्रेजों ने हमें 200 साल इकट्ठी गुलामी दी और बीजेपी और कांग्रेस वालों ने हमें 5-5 की किश्तों में दी, यही फर्क है बस। 5 तू, 5 मैं आ गया, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, तू आ गया तू मुझे कुछ मत कहना। जनता क्या, जनता का क्या है, इनके पास कोई रास्ता ही नहीं है, आपका कोई कसूर नहीं है इसमें, आपके पास रास्ता नहीं था। पहले को पहले से तंग आके दूसरे के पास, दूसरे से पहले से ज्यादा तंग आके फिर पहले के पास कि शायद ये ठीक हो गया होगा 5 साल में, नहीं ठीक हुए होंगे। ऐसे पंजाब में था 5 साल। इस बार लोगों ने कहा तुम सब लोग जाओ, हमें कुछ नया तजर्बा करने दो। आपको हैरानी होगी, सुनकर हैरानी होगी कि 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 साल की उम्र के हमारे पास 70 से ज्यादा MLA हैं। आम घरों के लड़के लड़कियां, जिसने मुख्यमंत्री चन्नी को हराया वो मोबाइल रिपेयर शॉप पे काम करता है, आज भी उसकी मां सरकारी स्कूल में सफाई कर्मचारी है, जिसने मुख्यमंत्री को हराया। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी कर सकती है, बाकियों में तो बारी नहीं आएगी। उनके यहां तो बेटा भतीजा साले जीजे पता नहीं कितने कितने तक चले जाते हैं, उधर नहीं बारी आएगी। आम घरों के आम घरां दे लोग मुंडे कुड़ियां नू आम आदमी पार्टी मौका, मैं कौन हूं कलाकार, चलो ठीक है बहुत सारे मेथों भी बहुत फेमस कलाकार ने, पर मुख्यमंत्री सोचे नहीं सी कदे, ना मेरा कोई दादा ना मेरा कोई चाचा कोई राजनीति च, मेरे डैडी टीचर सी, साइंस मास्टर सी, बदो मैनू साइंस मास्टर बना लेंदे, जा मैनू बीकॉम, मैं बीकॉम करता सी, मैनू मैनू किसी बैंक बुंक च ला लेंदे, ये तो बात नहीं। इन्हां दे धीआं पुत ही क्यों राज करन बई, तुसीं क्यों ना राज करो। हजे तक मतलब 52-53 साल उम्र हो गई होनी राहुल गांधी दी, हजे तक भी यूथ का नेता है वो, हमारे बाप 50 क्रॉस कर जाएं उनको बोलते हैं बुजुर्ग, ये 53 साल के भी यूथ के नेता, क्या बात जी।
क्या जवानी सिर्फ अखिलेश यादव पर ही आई? क्या जवानी सिर्फ राहुल गांधी पर ही आई? क्या जवानी सिर्फ मजीठिया पर ही आई? हम पर कोई जवानी नहीं आई? हमें भी जवान समझो। अब लोगों ने बताया कि क्या हाल होता है। आपके यहां गवर्नमेंट की फाइल है, गवर्नमेंट का रूल है, 37 साल के बाद एक दिन भी आप ऊपर होगी उम्र तो आप किसी भी सरकारी नौकरी के लिए ओवर एज हो जाते हो। और हमारे यहां 94 साल के प्रकाश सिंह बादल इलेक्शन लड़ते हैं, वो क्यों नहीं ओवर एज होते? ठेका ले रखा है क्या? टिप्पो दिया पत्या वे कादी खड़ 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 लाई है, पत चढ़ गए पुराने रुत नवियां दी आई है। और सब तो बड़ी गल यह है कि रुत साड़ी आई है, असी उन्होंने जिताते रहे, वो जितते रहे, असी हारते रहे, असी आप हार जाते। जिन्हों असी हरा दें उन्होंने राज्यसभा भेज देंगे, चल तू राज्यसभा इधर दी। लोग कहते कल तो हराया सी, इहदियां काहदियां वधाइयां, कहते राज्यसभा च भेजता जी। हद है यार, पब्लिक दे मैंडेट दा तक तुसीं। आम आदमी पार्टी ने 7 पंजाब चों 7 राज्यसभा दे मैंबर भेजे ने। पहली बार होया कि इको पार्टी के 7 ने, और 7 चों कोई भी इलैक्शन हारिया नहीं होया।